الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मुरखा 8 फरवरी है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौजूआत हैं। उत्तराखंड में एक्सा सिविल कोड बिल को हतमी मंजूरी दे दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला धामी ने UCC की मंजूरी से कबल ऐवान से ख़िताब किया। इस दौरान वज़ीर आला धामी ने कहा, एक्सा सिविल कोड मुसावात से हम आहंगी की तरफ उठाया गया एक कदम है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर और आसाम से रुकने पार्लियमान मौलाना बदुद्दीन अजमल ने उत्तराखंड असेंबली में एक्सा सिविल कोड बिल पेश किए जाने पर कहा है कि ये वज़ीर आज़म मोदी को खुश करने का हरबा है। इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उड़ीसा में नवीन पटनायक की क़यादत वाली BJD हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत में नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक की शराकत वाली हुकूमत चल रही है। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा है, आज की दूरबीन में खसूसियत के साथ देखिए। रांची के PMLA यानी इंसदादी मनी लॉन्ड्रिंग कानून की अदालत ने झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन की ED रिमांड की मुद्दत में 5 दिन की तौसीह कर दी है। झारखंड के साबिक वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमे की ताज़ा नौईयत तफसीलात में ज़रूर देखिए। महाराष्ट्र में मजहबी तकरीब के बाद खाना खाकर तकरीबन 2000 लोग बीमार हो गए। वाक़े के बाद मुतासिरा गांव में सर्वे के लिए 5 टीमें तैनात कर दी गई हैं। महाराष्ट्र वाक़े नांदेड़ के एक गांव में मंगल के रोज़ मजहबी तकरीब का इनेकाद हुआ था। इसके बाद मंगल की शाम हज़ारों अफराद ने एक साथ खाना खाया था। तमिलनाडु में ज़ेर तामीर इमारत मुनहदिम होने से 6 खातून मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 3 संगीन तौर पर जख्मी हो गए हैं। हलाक खातून मजदूरा इमारत की तामीर के काम में लगी हुई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज़ क्लिक के HR हेड की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है। UAPA की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में चक्रवर्ती पर मीडिया आउटलेट के जरिए चीनी मौकफ की तशहीर के लिए रकम वसूल करने का इल्ज़ाम है। पाकिस्तान के जुनूब मगरबी इलाके में इंतखाबी दफातर पर होने वाले 2 बम धमाकों में कम अज कम 28 अफराद हलाक और 2 दर्जनों से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को यानी आज आम इंतखाबात होने हैं। इसराइल ने हमास की तहवील में 136 यरगमालियों से 31 यरगमालियों की हलाकत की तस्दीक की है। हमास के जेर हिरासत 253 यरगमाली थे, जिनमें से 105 को मुआहदे के तहत रिहा किया गया है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। उत्तराखंड में एक्सा सिविल कोड बिल को हतमी मंजूरी दे दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ CM धामी ने UCC की मंजूरी से कबल ऐवान से खिताब किया। उन्होंने क्या कहा है, इसी दौरान CM धामी ने कहा, एक्सा सिविल कोड मुसावात से हमाहंगी की तरफ उठाया गया एक कदम है। CM धामी ने मजीद कहा है कि एक्सा सिविल कोड तमाम इम्तियाजी सलूक को ख़त्म करने और बुराइयों को दूर करने में अहम किरदार अदा करेगा। CM धामी ने ऐवान में कहा है कि उत्तराखंड में शादी सिर्फ मर्द और औरत के दरमियान हो सकती है। इस तरह धामी हुकूमत ने उत्तराखंड में हम जिन्स परस्तों की शादी पर मुकम्मल पाबंदी भी लगा दी है। उत्तराखंड असम्बली में एक खसूसी इजलास में एक्सा सिविल कोड बिल पेश किए जाने के दूसरे दिन बुध को अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने इसे सेलेक्ट कमेटी के हवाले करने का मुतालबा किया। उन्होंने UCC में लिव इन रिलेशनशिप और शेड्यूल ट्राइब को इसे अलग रखने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस मेंबरान भवन कापरी, प्रीतम तिलक वर्मा, हरदीश सिंह धामी, अवैश चौहान, विक्रम सिंह, ई रवि बहादुर,
वरेंद्र जादी ने यूसीसी का खैर मकदम करने के साथ साथ ही इसमें मौजूद खामियों की निशानदेही भी की। इन सब ने यूसीसी बिल को सिलेक्ट कमेटी के हवाले करने पर जोर दिया। उत्तराखंड असेंबली इजलास के दूसरे दिन एक्स्ट्रा सिविल कोर्ट बिल पर बहस जारी है, जिसमें ओपोजिशन के MLA एक्स्ट्रा सिविल कोर्ट बिल की दफात को लेकर धामी हुकूमत पर शदीद हमला कर रहे हैं। अपोजिशन की जानिब से डिप्टी लीडर ऑफ ओपोजिशन भवन कापड़ी ने चार्ज संभाला। अपोजिशन के लीडर डिप्टी लीडर भवन कापड़ी सबसे पहले हैं जिन्होंने यूसीसी में एलिवेन रिलेशनशिप के बारे में आवाज उठाया। अपोजिशन के डिप्टी लीडर भवन कापड़ी ने उत्तराखंड की सकाफत का हवाला देते हुए इसकी दफात के खिलाफ निकात पेश किए। उन्होंने कहा कि ये बिल नौजवानों की प्राइवेसी को पामाल करने की कोशिश है। उन्होंने मजीद कहा कि यूसीसी में एक प्रोविजन है, हर एक को अपनी शादी रजिस्टर करानी होगी, इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप को भी रजिस्टर कराना होगा। उन्होंने कहा कि इस बिल में जिंसी ताल्लुकात के साथ कुछ नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, सरकार की ये जबान तौहीद आमेज है। डिप्टी लीडर ऑफ ओपोजिशन भवन कापड़ी ने कहा है कि इस बिल के बाद दूसरी रियासतों के लोग हमारे रियासत में आएंगे, दूसरी रियासतों से जो लोग यहां आकर कानूनी तौर पर रहेंगे। उन्होंने कहा है कि आज तक हमारी रियासत मजहबी सयाहत के लिए जाना जाता है, इस बिल के बाद उत्तराखंड को लिविंग रिलेशनशिप में स्टेट के तौर पर जाना जाएगा। डिप्टी लीडर ऑफ ओपोजिशन भवन कापड़ी ने कहा है कि तमाम मजाहिब की अपनी सकाफत है, हर एक की अपनी रवायत है, सबकी शादियां रजिस्टर होती हैं, हमारे मुल्क में सब एक दूसरे के मजाहिब का एहतराम करते हैं, यह हमारे मुल्क का खासा है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर और आसाम से रुकने पार्लियमान बदरुद्दीन अजमल ने उत्तराखंड की रियासती असेंबली में पेश किए गए एक्स्ट्रा सिविल कोर्ट बिल पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए उन्होंने कहा कि इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। AINI से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासती असेंबलियां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खुश करने की कोशिश कर रही है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि जब हुकूमत नाकाम हो जाती है तो रियासती हुकूमतों को कुछ चमकदार लाना पड़ता है। अजमल ने आसाम के वज़ीर आला हेमंतवा बिस्वा सरमा पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि आसाम के वज़ीर आला हेमंतवा बिस्वा सरमा भी वक्तन फ़वक्तन ऐसा करते रहते हैं। वज़ीर आज़म मोदी को खुश करना चाहते हैं क्योंकि वो वज़ीर आला बने रहना चाहते हैं। रुकने पार्लियमान बदरुद्दीन अजमल ने हिंदुस्तान में सकाफी तनोव को बरकरार रखते हुए इस बात पर जोर दिया कि फितरत के खिलाफ किया गया कुछ भी ज्यादा देर तक नहीं जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान एक रंगीन बाग है, बाग जितना भी खूबसूरत हो अगर इसमें सिर्फ एक फूल हो तो आप इसे ज्यादा देर तक नहीं देख पाएंगे। हिंदुस्तान में तमाम मजाहिब और सकाफतों के लोग रहते हैं, यहाँ हमारी खूबसूरती है, कुछ भी फितरत के खिलाफ किया जाता है तो ये ज्यादा देर तक नहीं जारी रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एक्स्ट्रा सिविल कोर्ट पर एतराज करते हुए कहा कि इस तरह के एक्स्ट्रा सिविल कोर्ट की जरूरत नहीं है। बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महल्ली ने कहा कि जहां तक एक्स्ट्रा सिविल कोर्ट का ताल्लुक है, हमारी राय यह है कि हर कानून में एकसानियत नहीं लाई जा सकती है, और अगर आप किसी भी कम्युनिटी को इस यूसीसी से मुस्तस्ना करार देते हैं तो उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे कहा जा सकता है। वाज़ह है कि उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने गुज़िश्ता रोज़ उत्तराखंड असेंबली में एक सिविल कोड बिल पेश किया, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। इस बिल में शादी, तलाक, जानशीनी, लिव इन रिलेशनशिप और मुतल्लिका मामलात से मुतल्लिक कवानीन शामिल है। इस बिल के खिलाफ अपोजिशन ने भी हंगामा आरई की और उसके खिलाफ एहतजाजी जाहिरा भी किया। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने बुध को मरकज की भारतीय जनता पार्टी की कयादत वाली हुकूमत के साथ ही उड़ीसा में भेजो जनता दल यानी BJD की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत में वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर आला नवीन सिंह पटनायक की शराकत वाली हुकूमत चल रही है। उड़ीसा में अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन रोड़केला के मुजाफात पनपोश चक के करीब अपने रोड शो के दौरान एक इस्तेमा से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आने वाले इंतखाबात में BJP और BJD दोनों पार्टियों से लड़ेगी। उन्होंने रियासत की नवीन पटनायक हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि यहां बेरोजगारी की शरह मुल्क में सबसे ज्यादा है और रियासत की 30 लाख से ज्यादा लोग काम के लिए दूसरी रियासतों में जा चुके हैं। दूसरी तरफ बाहर के 30 करोड़पति ताजिर रियासत को लूट रहे हैं। रियासती हुकूमत कबायलियों, दलितों और ख्वातीन के खिलाफ बढ़ते हुए मजालिम को रोकने में बुरी तरह नाकाम है। राहुल गांधी ने कहा कि
भारत जोड़ो निरायातदा बीजेपी आरएसएस इत्तेहाद के जरिए मुल्क में फैलाई जा रही नफरत के खिलाफ थी और भारत जोड़ो निरायातदा समाज में नाइंसाफी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि मैं रियासत के लोगों की बात सुनने के लिए उड़ीसा आया हूँ, जिसके लिए मैंने दिन में 7 घंटे मुख्तस किए हैं। उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में आने के लिए उड़ीसा के लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दूंगा। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि बेरोजगारी की बीमारी मुल्क भर में फैल रही है और हर रियासत इस बीमारी से बुरी तरह मुतासिर है। उड़ीसा के आदादोशुमार पर नजर डाले, 40% नौजवान तालीम और आमदनी से दूर हैं, 1 लाख से ज्यादा सरकारी आसामियां खाली हैं और लाखों नौजवान नौकरियों की तलाश में हैं। उन्होंने मजीद लिखा, उड़ीसा के 30 लाख से जायद नौजवान नौकरियों की तलाश में दूसरी रियासतों में भटक रहे हैं और मोदी दोस्त नवीन पटनायक की सरपरस्ती में बाहर से आए हुए 30 अरब पति सनतकार रियासत के वसाइल को लूट रहे हैं। कांग्रेस के जरिए बनाए गए मुल्क के बड़े PHUs बशमूल रेल, सेल, पोर्ट, एयरपोर्ट वगैरह आज मोदी की मंत्र नीति की वजह से फरोख्त हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी तरजीह GST में इस्लाहात करके छोटी सनतों के लिए नया माशी मॉडल तैयार करना, अंधी जनगाड़ी को रोककर PSUs को बहाल करना और खाली सरकारी असामियों को पुर करना। कांग्रेस का ये विजन उड़ीसा समेत पूरे मुल्क में रोजगार पैदा कर सकता है। रांची की PMLA यानी इंसदादी मनी लॉन्ड्रिंग कानून की अदालत ने झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड की मुद्दत में 5 दिन की तौसी कर दी है। ईडी ने 3 फरवरी से मुसलसल उनसे पूछगछ कर रही है। पहले से मंजूर शुदा रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद सुरैन को बुध के दोपहर 2:30 बजे अदालत में पेश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत में पेशी के दौरान GMM के कारकुनान और सुरैन के हामियों की बड़ी तादाद इहाते में मौजूद थी, जिन्होंने हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अदालत में सुरैन की पेशी के दौरान ईडी ने जज से कहा, सुरैन से पूछताछ अभी मुकम्मल नहीं हो सकी है, उन्होंने सवालात के तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिए, इसलिए रिमांड की मुद्दत में 7 दिन की तौसी की जाए। इस पर अदालत ने मजीद 5 रोज रिमांड मंजूर कर लिया है। ख्याल है कि ईडी ने हेमंत सोरेन को रांची के बारियातों में वाकई 8.5 एकड़ अराजी के घपले के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। इस मामले में रेवन्यू मुलाजिम भानु प्रताप को भी रिमांड पर लिया गया है, जो पहले ही से जेल में था। अब एजेंसी उन दोनों को आमने सामने कर पूछगछ करेगी। रेवन्यू की इस मुलाजिम ने ईडी को दिए गए अपने बयान में कहा कि अफसरों ने मुझे बताया कि बार यातों में वाकई जमीन बास की है, अफसर के हलके में बास का मतलब हेमंत सोरेन था। काबिल जिक्र है कि असेंबली में अहतमाद की वोट पर बहस के दौरान हेमंत सोरेन ने पीर के चैलेंजिंग अंदाज में कहा था कि अगर वो 8.5 एकड़ जमीन से कोई कागज पेश कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो वो सियासत और रिटायर हो जाएंगे और झारखंड भी छोड़ देंगे। महाराष्ट्र में एक मजहबी तकरीब के बाद खाना खाने का एहतमाम किया गया, जिसमें तकरीबन 2000 अफराद बीमार हो गए। वाकया नांदेड़ के एक गांव का है, जहां मंगल के रोज मजहबी तबलीग का प्रोग्राम हुआ था। आसपास के कई गांवों से लोग तकरीब में पहुंचे थे और तकरीबन 5 बजे हजारों लोगों ने एक साथ बैठकर खाना खाया था। बताया जाता है कि बुध की सुबह तक कई लोगों की तबीयत नासाज हो गई, मुतअद्दिद लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल का रुख करना पड़ा। पुलिस का कहना है कि लोहा इलाके के कुश्तवाड़ी गांव में मंगल को यह मजहबी तकरीब मुनाकिद हुई थी। पुलिस ने यह भी कहा कि बड़ी तादाद में लोगों की तबीयत खराब होने की खबर सामने आई, इसके बाद पहले 150 लोगों को नांदेड़ के लोहा वाके सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल कराया गया। बाद में कई दीगर लोगों को भी इस तरह के हेल्थ इश्यूज होने लगे। फिर 870 मरीजों को शंकर राव चौहान सरकारी मेडिकल कॉलेज समेत दीगर अस्पतालों में दाखिल कराया गया। हालात को देखते हुए जरूरत पड़ने पर नांदेड़ के सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल में मजीद बिस्तरों का इंतजाम किया गया। एक अफसर ने वाकये के ताल्लुक से जानकारी देते हुए बताया कि जांच के लिए मरीजों के सैंपल्स लिए जा चुके हैं। ऐसा लगता है कि जैसे फूड पॉइजनिंग की वजह से बड़ी तादाद में लोगों की तबीयत खराब हुई है। मुतासिरा गांव में सर्वे के लिए 5 टीमों को तैनात किया गया है। अफसरान का कहना है कि इस वाकये की जांच के लिए एक टीम भी तश्कील दी जा चुकी है। इस दरमियान मरीजों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है और ऐसे में भी खबरें यह है कि इलाज के बाद कई मरीजों को घर भी भेज दिया गया है।
तमिलनाडु में जेर तामी इमारत मुनहदिम होने का एक अंदुनाक वाकया पेश आया, जिसमें काम करने वाली 6 खातून मजदूरों की मौत वाकई हो गई। वाकया तमिलनाडु में ओटी के पास लोडेल में बुध के रोज पेश आया, जहां इमारत मुनहदिम होने से ये खातून मजदूर मलबे में दब गई। ये सभी घर के तामीर के काम में मसरूफ थी, जो अचानक ये हादसा पेश आया। मोलिकीन की शनाख्त शकीला, संगीता, भागिया, उमा वगैरह की शक्ल में हुई है। हलाक होने वाले सभी खातून मजदूरों की उम्र 30 साल से ज्यादा थी। इस हादसे की जानकारी देते हुए ओटी पुलिस ने बताया कि रेस्क्यू मुहिम जारी है और संगीन तौर पर जख्मी मजदूरों को ओटी जनरल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। एक मजदूर के अब भी मलबे में फंसे होने की खबरें सामने आ रही है और ये भी संगीन तौर पर जख्मी है। इस दरमियान ओटी जनरल अस्पताल के डैन पद्मनी ने 6 खवातीन की मौत से मुतालिक तस्दीक कर दी है। हादसे के बाद रेस्क्यू मुहिम जारी है और उसकी वीडियो खबर रसा इदारे ANI के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की गई है। इसमें देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में लोग मलबों को हटा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि फंसे मजदूर को बाहर निकाला जा सके, और वीडियो में कुछ खवातीन रोती हुई भी दिखाई दे रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज़ क्लिक HR यानी महकमा इंसानी वसाइल के सरबराह अमित चक्रवर्ती की दरखास्त जमानत पर अपना फैसला महफूज कर लिया है। UPA के दफात के तहत दर्ज इस मुकदमे में चक्रवर्ती मीडिया आउटलेट के जरिए चीनी मौकफ की तशहीर के लिए रकम वसूल करने का इल्ज़ाम था उन पर। 9 जनवरी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चक्रवर्ती को केस में सरकारी गवाह बनने की इजाज़त दी थी। उन्होंने खसूसी जज हरदीप कौर के सामने माफ़ी की दरखास्त दायर की थी। चक्रवर्ती के वकील ने जस्टिस सुरन कांता शर्मा के रूबरू कहा था कि उसके मुवक्किल को ट्रायल कोर्ट ने माफ कर दिया है, वो तहकीकात में मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। चक्रवर्ती के वकील ने अदालत को बताया कि 3 अक्टूबर 2023 से मेरे मुवक्किल के हिरासत में होने के बावजूद केस अभी भी जेर तफ्तीश है और कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। 29 जनवरी को ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में न्यूज क्लिक के बानी एडिटर प्रवीर पुरकायस्थ चक्रवर्ती की अदालती तहवील में 17 फरवरी तक तौसी कर दी थी। इससे कबल खसूसी जज ने चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की इजाजत दी थी, जिन्होंने दावा किया था कि उसके पास कुछ ऐसी अहम मालूमात है जिन्हें वो दिल्ली पुलिस के सामने जाहिर करना चाहते हैं। गुज़श्ता साल 22 दिसंबर को अदालत ने पहले दिल्ली पुलिस को तहकीकात मुकम्मल करने के लिए मजीद 60 दिन का वक्त दिया था, लेकिन पुलिस ने अदालत में दरखास्त दायर करते हुए मजीद 3 माह का वक्त मांगा था। पुलिस ने इस दरखास्त में दस्तावेजात और शवाहिद की नौइयत पर जोर देते हुए कहा था केस की तहकीक के सामने में पुलिस को दिल्ली से बाहर मुख्तलिफ मकामात पर जाने की जरूरत पड़ सकती है और इसकी वजह से तहकीकात मुकम्मल करने में मजीद वक्त सर्फ होगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सील ने इस मामले में UPA और ताजरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत 17 अगस्त 2023 को न्यूज क्लिक के खिलाफ FIR दर्ज की थी। वाज़ह रहे कि न्यूज टाइम्स की अगस्त 2023 में एक रिपोर्ट में न्यूज क्लिक पर मुबैना तौर पर चीनी मौकफ की तशहीर करने के लिए अमरीकी करोड़पति नेवल्ड राय सिंह से जुड़े नेटवर्क के जरिए माली इआनत हासिल करने का इल्जाम लगाया गया था। पाकिस्तान में आम इंतखाबात से 1 रोज कबल जनूब मगरबी इलाके में एक सियासी जमात और एक आज़ाद उम्मीदवार के इंतखाबी दफातर पर होने वाले 2 बम धमाकों में कम से कम 28 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। सूबाई हुकूमत के तर्जमान जॉन ने बताया कि पहला हमला सुबह बलूचिस्तान के ज़िला शीन में हुआ। इस हमले में कम से कम 14 अफराद हलाक हुए और दर्जनों जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जिनमें से कुछ की हालत संगीन बताई जा रही है। अचकज़ई और मकामी हुकाम ने बताया कि इसके बाद दूसरा धमाका बलूचिस्तान के किला सैफुल्ला कस्बे में सियासतदानों फजलुर रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हुआ बम धमाके में, जिसमें कम से कम 14 अफराद हलाक हुए और दर्जनों जख्मी हुए, जिसने फौरी तौर पर उन हमलों की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं किया। सिक्योरिटी सेहत ने बताया कि धमाके के बाद कोटा के तमाम हस्पतालों में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके लिए मजीद अमला भी तलब किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रामा सेंटर, सिविल हस्पताल BMC, बेनजीर और शेख जैद हस्पताल में अमल के साथ चिल्टर था, जख्मियों के इलाज के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी ECP ने धमाके का नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस यानी IGP से रिपोर्ट तलब कर ली है। ACP के तर्जमान ने कहा है कि ऐसे वाकयात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई है।
पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदों के हमलों में हालिया इजाफे के बाद अमन को यकीनी बनाने के लिए पूरे पाकिस्तान में 10,000 पुलिस और नीम फौजी दस्तों की तैनात के बावजूद ये बम धमाका हुआ। कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अफगानिस्तान और ईरान की सरहद से मुलहक बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज पर मुतअद्दद हमलों के पीछे रही है। 30 जनवरी को एक अलहदगी पसंद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ग्रुप ने बलूचिस्तान के जिला मूंछ में सिक्योरिटी तंसुबात पर हमला किया जिसमें 6 अफराद हलाक हो गए थे। इसराइल ने गजा में हमास की तहवील में 136 सिरगमालियों में से 31 की मौत की तस्दीक कर दी है। ADF ने मंगल को एक बयान में कहा है कि फौज ने इन सिरगमालियों के अहले खाना को अपने प्यारों की मौत के बारे में मुत्तला कर दिया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस मामले को अमेरिका, कतर और मिस्र समेत बैनुल अक्वामी मुज़ाकरात कार्रवाइयों तक पहुंचा दिया है, जो वक्त के साथ साथ इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग में जंगबंदी के लिए काम कर रहे हैं। इसराइल और हमास ने अमेरिका, कतर और मिस्र की कोशिशों से 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक 1 हफ्ते की जंगबंदी पर इत्तेफाक किया था। 1 हफ्ते के मुख्तसर जंगबंदी के दौरान हमास के जेर हिरासत 253 इरगमालियों में से 105 को रिहा किया गया था और इसराइल की जेलों में बंद 324 फलस्तीनी कैदियों को भी बदले के तौर पर रिहा किया गया था। कतर के वज़ीरे आज़म शेख मोहम्मद अस्सानी ने एक बयान में कहा कि दूसरी जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और उम्मीद किए जाते हैं कि अब से चंद दिनों में इबहाम खत्म हो जाएगा। इसराइल ने एक माह तवील जंगबंदी पर इत्तफाक किया है जिसके तहत हमास के ज़ेर हिरासत 35 इसराइली गमारियों को रिहा किया जाएगा। मुआहदे के तहत इसराइल बड़ी तादाद में फलस्तीनियों को इसराइली जेलों से रिहा भी करेगा। कतर और मिस्री मुज़ाकरात कारों के मुताबिक हमास जंग का मुस्तकिल खात्मा और इसराइल डिफेंस सर्विसेज का इनखला चाहती है जिसको इसराइल ने मुस्तरद कर दिया है। मुज़ाकरात और सालिसी की बातचीत तेज रफ्तारी से हो रही है। जंग बंदी कम अज़ कम 1 माह तक पहुँचने के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं और कतर के वज़ीर आज़म के मुताबिक जंग बंदी करीब है। कतर के वज़ीर आज़म सालिसी मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वाज़ह है कि इसराइल की जानिब से गज़ा पर लगातार बमबारी से अब तक 27,000 से ज़्यादा फलस्तीनी जहां बहक हो चुकी है और हजारों की तादाद में जख्मी हो गए हैं, जबकि लाखों अफराद बेघर हुए हैं। गजा में शदीद इंसानी बहरान है और अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक गजा शदीद गजाई बहरान का शिकार है। इसराइल की जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं और जंगबंदी पर पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है। जसप्रीत बुमराह ने आज क्रिकेट तारीख में वो मकाम हासिल कर लिया है जो अब तक किसी भी गेंदबाज को हासिल नहीं हुआ। उन्होंने आज गेंदबाजों की टेस्ट रैंकिंग में पहला मकाम हासिल कर लिया, लेकिन ये आलमी रिकॉर्ड नहीं है। आलमी रिकॉर्ड ये है कि अब वो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 गेंदबाज के रैंकिंग हासिल करने वाले गेंदबाजों बन चुके हैं और ऐसा किसी भी खिलाड़ी ने नहीं किया है, अब तक नहीं किया था। जी हाँ, बुमराह वनडे और T20 क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज का आज हासिल कर चुके हैं और टेस्ट में वो कभी भी नंबर 1 गेंदबाज नहीं बन सके थे, लेकिन आज ये कामयाबी उन्हें मिल गई है। इंग्लैंड के खिलाफ जब हिंदुस्तान के टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी तो जसप्रीत बुमराह को टेस्ट रैंकिंग में 4th मकाम हासिल था। पहले टेस्ट में बुमराह को 6 विकेट हासिल हुए और दूसरे टेस्ट में उन्होंने 9 विकेट लेकर 3 अहम गेंदबाजों को पीछे छोड़कर टेस्ट रैंकिंग में फेरिस्त में सरे फेरिस्त यानी 1 नंबर हासिल कर लिया। उन्होंने रविचंद्र अश्विन, रवाडा और पेट कमिंस को पीछे ढकेलते हुए नंबर 1 की कुर्सी हासिल कर ली है। बुमराह ने इसके साथ ही मजीद एक रिकॉर्ड बना दिया है। वो हिंदुस्तान के पहले तेज गेंदबाज बन चुके हैं जिन्होंने गेंदबाजों की टेस्ट रैंकिंग में पहला मकाम हासिल किया है। इससे पहले हिंदुस्तान के स्पिन गेंदबाज ही इस मकाम तक पहुंच सके थे। काबिले कद्र बात यह है कि जसप्रीत बुमराह ने हिंदुस्तान के पिचों में बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम देकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। आमतौर पर हिंदुस्तानी पिच स्पिन गेंदबाजों को मदद करते हैं, लेकिन बुमराह ने सभी को हैरान करते हुए हैदराबाद और विशाखापट्टनम की पिचों पर अपनी गेंदबाजी से अंग्रेज बल्लेबाजों को परेशान किया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 9 विकेट लेने के लिए बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड दिया गया। हालांकि यशस्वी जायसवाल ने भी पहली इनिंग में डबल सेंचुरी लगाई थी, उससे जाहिर यह है कि पिच तेज गेंदबाजियों के लिए माकूल नहीं थी। फिर भी बुमराह बल्लेबाजों के लिए खतरनाक साबित हुए। वाज़ह है कि जसप्रीत बुमराह का अब तक का करियर बहुत शानदार रहा। एक खिलाड़ी सिर्फ 34 मैचों में 155 विकेट ले चुका है। उनकी गेंदबाजी औसतन सिर्फ 20.19 है। जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका पर हर जगह टेस्ट में लाजवाब
लाजवाब कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस खिलाड़ी ने हिंदुस्तान के पिचों पर 6 मैचों में 29 विकेट हासिल कर सभी को हैरान कर दिया है। इससे पता चलता है कि बुमराह का अपना एक अलग पहचान, अपना एक अलग किलास है। फिक्र होगा कि खास बुलेटिन दूरबीन की गुज्तगू पेशकश में नसीम अहमद नाड़ी दरभंगा, अशरफ अली अमीर हसन, शहनाज खातून, शानजे सलामुद्दीन, संगम मोहम्मद सरफराज आलम, सलमान मोहम्मद, मुर्शिद आलम, मोहम्मद शकूर साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से ट्विटर यानी एक्स पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @FikroNazar। शुक्रिया।